सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ व गुटका साहिब की बेअदबी करने के मामले अक्सर पंजाब में सुने जाते थे। वहीं सिख धर्म के पवित्र गुटकों को जलाकर नाली में फेंककर बेअदबी करने का एक मामला यमुनानगर के चांदपुर इलाके की कृष्णानगर से उस समय सामने आया जब वहां सफाई कर्मी नाली की सफाई करने आया और उसे नाली में जले हुए पन्नों सहित 7-8 गुटके मिले, जिसकी जानकारी उसने आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद तुरंत सिख समाज के स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने नाली में से जले हुए गुटका साहिब को निकाला। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी सुभाष भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। देखिए, अभी हमें सूचना मिली है, हमारे को बजरिया फोन सूचना मिली है कि यहाँ पर ऐसे जो गुरुद्वारे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के जो गुटके हैं, उन्होंने रात के समय ही यहाँ पर नाली के पास जला के और नाली में डाले हुए कई हैं, 7-8 हैं गुटके उनमें। तो अभी हम कैमरे, सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं, अगर और दूसरा जैसे ही प्रबंधक कमेटी की तरफ से कोई भी हमारे कंप्लेंट अगर प्रोवाइड होती है तुरंत अभी FIR दर्ज करेंगे और जिसने भी ये किया है जिसने भी किया उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे। सर, माहौल अभी शांति वाला ही है? हाँ नहीं, अभी मैंने प्रबंधक कमेटी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो चीज़ें हैं ये मुझे प्रोवाइड करवाएँ और अपनी कंप्लेंट लिखित में मुझे दें और अभी तुरंत प्रभाव से हम FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी इसमें अपराधी मिलता है उसके खिलाफ सख्त से कानून कार्रवाई करेंगे। माता जी, केड़े गुटके मिले ने? सुंदर गुटका है, एक नितनेम का गुटका है, एक दुखपंजनी साहब का गुटका है, एक जड़ा रह रात होंगी नितनेम की वह वे। तो की इन्हों की बेअदबी हुई है? बेअदबी हुई है। रोष है भारी संगत का? सानू तो बहुत दुख आया, वेख के ही दुख आ रहा, साडे गुरुआ ने की कुरबानियां कीतियां तो इन्होंने की किया। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।